नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की जो खबर है वो एक काफी चौंकाने वाली खबर है और कांदिवली से यह खबर है, जहां कल जल्दी सुबह 3 बाइक सवार लोगों ने 4 राउंड फायर करते हुए एक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 3 लोग इस मामले में जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल जो ये वारदात हुई, उस वारदात के पीछे का जो कारण है वो काफी चौंकाने वाला कारण है। ऐसी जानकारी सामने आई है, ऐसा बताया गया है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। ये जो वारदात कांदिवली में कल जल्दी सुबह 2:15 पर सामने आई है, उस वारदात के पीछे कारण था दही हांडी में हुआ छोटा सा झगड़ा। अक्सर त्योहारों में जहां हर लोग खुशी में झूम रहे होते हैं, वहां कुछ छोटी मोटी कहा सुनी कभी कभार हो जाती है, लेकिन वह कहा सुनी इतनी आगे बढ़ जाए कि किसी की जान ले ले, यह काफी चौंकाने वाली बात है। यहां जो मामला सामने आया है कांदिवली का, कुछ ऐसा ही है। यहां किन्हीं लोगों में आपस में थोड़ी कहा सुनी हुई थी दही हांडी के समय। उस कहा सुनी का मन में राग भरकर ये लोग मन में द्वेष भरकर बदले की आग में जलने लगे, और कल मौका पाकर इन आरोपियों ने, बाइक सवार आरोपियों ने कांदिवली क्षेत्र में ताबड़तोब 4 फायरिंग की। इस फायरिंग में एक की मौत हुई और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस के आला अधिकारी DCP मुंबई जोन 11 खुद घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही साथ स्थानीय पूर्व नगर सेवक ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले की सच्चाई बयान की। और तो स्थानीय नगर सेवक जिनका नाम कमलेश यादव है, उन्होंने इस बात की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना आसपास के ही रहवासियों द्वारा घटित की गई है। हमलावर भी वहीं के रहने वाले, और जिन पर हमला हुआ वो लोग भी वहीं के रहने वाले, और इनके बीच में दही हांडी के समय कुछ आपसी विवाद हुआ था। उसी विवाद के द्वेष में आकर इन हमलावरों ने पीड़ितों के ऊपर फायरिंग की। इस हमले में अंकित यादव, अविनाश दाभोलकर, मनीष गुप्ता और प्रकाश नारायण, इन 4 को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हुई है। बाकी 3 की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो यह घटना, बड़ी शॉकिंग घटना मुंबई के कांदिवली से सामने आई है, और इस घटना के जो कारण है वो घटना से कहीं ज्यादा शॉकिंग है। तो आप ये जो घटना देख रहे हैं, ये घटना एक बार फिर आपको बता दें कि कांदिवली मुंबई की है, जहां दही हांडी में छोटे से विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इसमें एक की मौत हुई और 3 लोग जख्मी हो गए। तो देखिए, इस घटना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। कांदिवली पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये लालजीपाडा या एरियामध्ये फायरिंगची घटना झाल्याबाबतची माहिती मिळाली। साधारणतः रात्री 12:15 सुमारास 2 मोटरसायकलून आलेल्या इसमांनी फायरिंग केल्याची घटना घडलेली आहे। त्यामध्ये दुर्दैवाने एका जणाचा मृत्यू झालेला आहे व 3 लोक किरकोळ जखमी झालेले आहेत। त्यानुषंगाने पुढील पुढचा तपास करीत आहे। तर कोण होते व्यक्ती आणि नेमकं जी फायरिंग झाली त्या व्यक्तीचं नाव काय? त्याचं आम्ही नाव निष्पन्न करून त्याचा पुढील तपास करीत आहोत। तो मयत इसम कोण होता, त्याला का मारलं, म्हणजे त्याचा आम्ही तपास करीत आहोत। फायरिंग की घटना हुई है, क्या जानकारी मिली है? रात को यहाँ हमारा नवरात्रि का पंडाल लगा है, माता रानी का जागरण होता है। 12:15 के आसपास एक फोन आया कि कुछ तो फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला कि किसी एक शख्स ने 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक, अभी जो जानकारी मिली है कि एक आदमी बहुत सीरियस है और 2 लोग बेहोश हैं। ऐसे 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। यह जो हमें अभी जानकारी मिली है, सही क्या गलत क्या पता नहीं, लेकिन दही हंडी के समय आपस के झगड़े थे, आपस के झगड़े की वजह से यह जो कुछ हुआ है यह कांड हुआ है। अच्छा, फायरिंग करने वाले कहाँ के लोग थे और जिनको लगी हो लोग कहाँ, कुछ जानकारी मिली? सारे लोग स्थानिक हैं,
जिन्होंने जो अभी जानकारी मिली है सही खबर बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन जिनको गोलियां लगी है यही एक गुप्ता है, एक दूसरा महाराष्ट्रीयन आदमी है और एक यादव है, ऐसे तीन लोग हैं। और जो गोली चलाने वाले हैं, जो झगड़े हुए थे उससे लगता है कि वह भी यहीं का स्थानीय व्यक्ति है जिसने गोलियां चलाई हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।